15 hours we received a fire call that in Noorkhan Bazar chappal manufacturing unit mein fire hua bolke. Immediately Gauliguda MPT and उसके बाद सलारजंग म्यूजियम गाड़ी दोनों गाड़ियाँ आया अलॉन्ग विथ अवर क्रूज. बहुत स्मोक आ गया, डेंस स्मोक स्टार्टिंग में, एंड नियर बाय एरियाज रेजिडेंशियल पीपल आल्सो गॉट व्हाट इज हैवक. बहुत डर हो गया हमको भी, शुरू में क्या हो गया मालूम नहीं. थोड़ा देर के बाद हमको भी मालूम हो गया ये चप्पल यूनिट है. थोड़ा स्मोक होने के बाद और फायर फाइटर्स स्टार्टेड फायर फाइटिंग. दे हैड ए गुड जॉब एंड कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड द फायर. टोटली फायर इज अंडर कंट्रोल. टोटली इट स्टॉप. कितने गाड़ी लगे सर बाहर बुझाने में, कितना टाइम लगा है? दो गाड़ियाँ. टाइम कितना लगा? बोले तो एक 16 थ्री व्हीकल्स आ गए. गौलीगुड़ा का दो और एक सलारजंग म्यूजियम का. टोटल टाइम कितना? 415 टू आवर्स अप्रॉक्सीमेटली. टू आवर्स फाइव. कैजुअलिटीज वगैरह कुछ है सर? नो कैजुअलिटीज, नो इंजरी, नो कैजुअलिटीज, नथिंग. आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग कितने साल से यहाँ पे था? वो पूरा डिटेल्स हमको भी नहीं मालूम नहीं. हम अभी फायर फाइटिंग के लिए आए हैं ना. विल कम टू नो व्हाट आर द अदर थिंग्स. ठीक है. 4 बजे दिन में कटलगोड़ा शेरियान मंजिल शादी खाने के अंदर फायर हुआ. इसके धुआं निकलने पर हमारे को इत्तला मिली. मिलते ही हम मीट चौक पुलिस को इत्तला दिए. मीट चौक पुलिस के सर्कल साहब, उनका स्टाफ आया, काफ़ी मदद करा. उसके बाद उन्होंने फायर इंजन को कॉल करे. फायर इंजन आने के बाद पूरा बुझाए. इसकी किस तरीके से लाइट का हुआ या किस तरीके से इसका तहकीकात कर रहे हैं जलने की वजह, अभी तहकीकात करने के बाद मालूम हुआ. रात हो गई इंशाल्लाह ताला. अभी कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, कुछ ना हुआ, सिर्फ रबर था, वो रबर जला. उसका धुआं ज़्यादा लगने की वजह से चप्पलों का कितना नुकसान हुआ मालिक को? नहीं, नुकसान का नहीं बोल सकते, इसका अभी कोई तला नहीं है. अभी समझो आप कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ. समझो फायर इंजन आया, हमारे को जैसा मालूम हुआ माए आने के बाद मीट चौक सर्कल साहब आए, ACP साहब आनंद साहब आए यहाँ पर. ACP आनंद साहब, मीट चौक सर्कल साहब, पूरा स्टाफ पूरा मदद करे. महल्ले के हमारे तमाम पूरे इब्तदाई मजलिस के अराकीन यहाँ पर आए. आने के बाद पूरे हमारे MLC साहब भी आए हुए थे. आने के बाद पूरा समझो हम लोग बजाए. नहीं, कोई जख्मी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. हम लोग आए, आने के बाद पूरा समझो जो सामान था बाहर कर दिए. उसका फायर इंजन आई, सर्कल साहब खुद मौजूद थे, ACP आनंद साहब भी थे. किसी को कुछ जानी नुकसान हुआ? अभी पास ये घर रहने के बाद इस तरीके का गोदाम रहना कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं, ऐसा कोई बड़ा गोदाम नहीं है, छोटा सा है. वो अचानक कैसा हुआ पता नहीं, वो तो खैर बाद में तहकीकात कर रहे हैं, उसके बाद मालूम होगा. थैंक यू जी. अच्छा, शुक्रिया.